हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शानदार ट्रक को लेकर। अगर आप इसे डाउन पेमेंट कर लेना चाहते हैं तो आपको कितना ईएमआई आने वाला है, मिनिमम कितना डाउन पेमेंट रहेगा, कौन कौन से चार्ज लगते हैं, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में गजब के इस ट्रक के फीचर्स भी हैं तो वो भी देखने वाले हैं। और इसके ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस क्या पड़ता है, ये सारे डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। तो आज के हमारे लिस्ट में दोस्तों आइसर का प्रो 2049 ट्रक, जो कि काफ़ी शानदार है। और इसके शानदार फीचर्स की हम लोग बात करें तो इंजन इसमें 1980 सीसी का देखने को मिलता है और शानदार हॉर्स पावर 100 का हॉर्स पावर का। और पे लोड इसकी क्षमता की बात करें, लोडिंग कैपेसिटी की, तो 3500 केजी तक इसमें उठा सकता है। और BS6 मॉडल पे आती है गाड़ी। और GVW ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो 4995 केजी इसका वेट है। और क्लच 280 mm रहता है। और जिसमें नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो 4 देखने को मिल जाएंगे, साथ में इसका वारंटी 5 साल मिलता है। और फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 60 लीटर फुल टैंक इसमें देखने को मिलता है। और गियर बॉक्स जो रहता है 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स रहता है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं जो काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कि इसकी प्राइस कितनी देखने को मिलती है। तो आइसर प्रो दोस्तों 2049 ट्रक की बात हम लोग करें तो इसका आपको जो एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 12,20,000 तक इसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है। और 2-3 चार्ज लगते हैं, पहला RTO चार्ज लगता है, इसके बाद आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है, और दूसरा इसमें अदर चार्ज, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगते हैं। और फाइनल जो प्राइस आपका निकल के आता है ऑन रोड प्राइस 12,90,000 रुपया। इस प्राइस पे आज ट्रक्टर को घर ले जा सकते हो 12,90,000 पे, यही होता है ऑन रोड प्राइस। अब चलिए डाउन पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा डाउन पेमेंट शुरू होता है, 3 प्रकार के डाउन पेमेंट देखने वाले हैं। तो पहला डाउन पेमेंट हमारा 1,30,000 मिनिमम आप कर सकते हो, कम से कम 1,30,000 भी कर सकते हो, जिसमें आपका लोन अमाउंट रहेगा 11,60,000 रुपये, टोटल आपका लोन अमाउंट बच जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 9 से 10% रहता है मिनिमम, किसी बैंक में 8.5% तक भी होता है, तो 9% रेयर है। एंड यहाँ पे 36 मंथ की फाइनेंस की बात करें तो 36,808 रुपये प्रत्येक महीना किस्त देना पड़ेगा। अगर आप 48 मंथ में यहाँ पे किस्त देना चाहते हो तो 28,867 रुपया देख सकते हो। अगर आप 5 साल के लिए 60 महीने के लिए करा रहे हो तो मात्र आपको 24,080 रुपया आपको प्रत्येक महीना किस्त देना पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला डाउन पेमेंट। और नेक्स्ट आगे हम लोग इसका ब्याज भी देखने वाले हैं कि बैंक आपसे कितना ब्याज चार्ज कर रही है, जो कि आपका EMI में जुड़ा रहता है, किस्त में आपको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता है। और बात करें दोस्तों डाउन पेमेंट दूसरा, ये दूसरा डाउन पेमेंट है, तो 3,60,000 भी आप कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। और टोटल लोन अमाउंट की बात करें तो 9,30,000 तक लोन अमाउंट रहता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम 9% रहेगा। अगर आप इसमें 36 मंथ के लिए करा रहे हो तो 29,577 रुपया प्रत्येक महीना किस्त देना पड़ेगा। अगर आप इसमें 60 महीने के लिए करा रहे हो तो 23,533 रुपये आपको प्रत्येक महीना किस्त देना पड़ेगा। अगर आप 72 महीना 6 साल के लिए करा रहे हो तो 16,764 रुपये आपको प्रत्येक महीना किस्त देना पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों सेकेंड डाउन पेमेंट। आप बढ़ते हैं हमारे लास्ट और तीसरे डाउन पेमेंट की तरफ। और हाँ दोस्तों, अगर आपका किसी और प्रकार का भी गाड़ी में इंटरेस्ट है तो आप उसका कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बना दूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा दोस्तों थर्ड डाउन पेमेंट रहने वाला है, मात्र 6,40,000 का थर्ड डाउन पेमेंट रहता है। इसमें जो आपका टोटल लोन अमाउंट रह जाएगा, कर्ज रह जाएगा 6,50,000 रुपया। और जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 9% आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इसमें आप 24 मंथ के लिए फाइनेंस करा रहे हो तो 29,695 रुपये आपको प्रत्येक महीना किस्त देना पड़ेगा दोस्तों 2 साल तक। अगर इसमें आप 36 महीने या तो 3 साल के लिए करा रहे हो तो 20,670 रुपये प्रत्येक महीना किस्त देना पड़ेगा। अगर इसमें 60 महीने 5 साल के लिए करा रहे हो तो जो सबसे कम दोस्तों EMI आ रहा है 13,493 रुपया, ये सबसे कम है। तो ये रहा दोस्तों तीसरा डाउन पेमेंट। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने ब्याज की तरफ कि ब्याज कितना ले रही है बैंक आपसे। तो बात करेंगे दोस्तों डाउन पेमेंट पर आपका जो ब्याज लग रहा है। तो पहला डाउन पेमेंट आपने 1,20,000 मिनिमम था, 1,30,000, तो उस पर जो आपका 48 मंथ पे लग रहा था 2,25,000 रुपया 48 मंथ 4 साल के लिए। अगर आप इसी में 60 महीने के लिए करा रहे हो तो 2,50,000। तो ये आपका EMI किस्त में ही जुड़ा रहता है, आपको अलग से पेमेंट करना नहीं पड़ता है। अगर डाउन पेमेंट आपका 6,40,000 था लास्ट वाला ऑप्शन, तो उसमें आपको 24 मंथ के लिए जो ब्याज देना पड़ेगा मात्र 262,000 रुपया समथिंग लगता है। अगर आप 48 मंथ के लिए कराते हो तो 1,25,000 तक जाता है। तो यही रहा दोस्तों यहाँ पर ब्याज भी आपने देख लिया। तो मैं आपको बता दूँ ये भी गाड़ी काफ़ी शानदार है, आइसर का दोस्तों प्रो 2049 काफ़ी शानदार ट्रक है।
और इसके फीचर्स की भी बात करें तो काफ़ी शानदार फीचर्स देखने को मिलते हैं, और इसका इंजन भी काफ़ी शानदार है, और इसकी माइलेज 10 से 11 की लगभग रहती है, और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी शानदार है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन बटन को दबा दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे, जय श्री राम।